हेलो दोस्तों, एक बार फिर से नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसे स्टॉकों पर डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आज की ट्रेडिंग सेशन में 4% के आसपास का हमें रैली देखने को मिला है। और दोस्तों निफ्टी 50 और बीएसई सेंसेक्स में भी अच्छा खासा हमें उछाल देखने को मिला है, जिसकी वजह से इस स्टॉक में 4% के आसपास का रैली देखने को मिला। हालांकि दोस्तों जब स्टॉक की प्राइस ओनली हमें 1500 के आसपास में ट्रेड करते हुए देखने को मिला था, वहां से आप लोगों को वीडियो बनाकर डिस्कस किया था इस स्टॉक में हमें खरीदारी करना चाहिए, फ्यूचर में इसका प्राइस हमें काफी आगे जाते हुए देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसका प्राइस हमें 4000 के भी क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिला, और वहां से इस स्टॉक में स्ट्रॉन्ग गिरावट हमें देखने को मिला, जिसके वजह से इसका प्राइस हमें 2500 के आसपास में हमें आते हुए देखने को मिला था। हालांकि वहां पे भी हमने वीडियो बनाकर डिस्कस किया था इस स्टॉक में अगर हमें गिरावट देखने को मिलता है तो हमें खरीदारी करना चाहिए, फ्यूचर में फिर से अच्छा खासा हमें रैली देखने को मिलेगा। और दोस्तों आज के ट्रेडिंग सेशन में इसका प्राइस हमें 3000 के भी क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिला, और दोस्तों फ्यूचर में इसका प्राइस हमें 5000 के भी क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। हालांकि इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, स्टॉक अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। अगर बात करेंगे यहां पे पिछले 1 मंथ का इसका प्राइस ग्राफ का, तो पिछले 1 मंथ में इस स्टॉक में 6% के आसपास का हमें रैली का फिगर देखने को मिल रहा है, जो कि अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। पिछले 6 मंथ की बात करेंगे तो पिछले 6 मंथ में इस स्टॉक में 8% के आसपास का गिरावट का फिगर हमें देखने को मिल रहा है। पिछले 1 साल की बात करें इसका प्राइस ग्राफ का, तो पिछले 1 साल में इस स्टॉक में ओनली 4% के आसपास का हमें रैली का फिगर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों यहां से इस स्टॉक में स्ट्रॉन्ग गिरावट हमें यहां पे देखने को मिला, हालांकि फिर से इस स्टॉक में अच्छा खासा यहां पे रैली का फिगर हमें देखने को मिल रहा है। अगर बात करेंगे पिछले 5 ईयर का इसका प्राइस ग्राफ का, तो यहाँ पे देख सकते हो कितना स्ट्रॉन्ग तरीके से इस स्टॉक में यहाँ पे हमें मुनाफा का फिगर देखने को मिल रहा है। हालांकि सबसे अधिक दिनों की बात करेंगे तो यहाँ पे भी हमें स्ट्रॉन्ग तरीके से फिगर देखने को मिल रहा है मुनाफा का। और दोस्तों यहां से इस स्टॉक में हमें स्ट्रॉन्ग गिरावट देखने को मिला, हालांकि एवरी गिरावट में हमने वीडियो बनाकर डिस्कस किया था। दोस्तों इस स्टॉक के ऊपर आप लोग फोकस बना के रख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे देख सकते हो 33,000 करोड़ से एबव का फिगर है, जो कि बात करेंगे इसका 52 की हाई का, स्टॉक के प्राइस में 4200 के आसपास में देखने को मिला था। और दोस्तों इस स्टॉक का अगर बात करें 52 का, तो इसका प्राइस हमें यहाँ पे 21 रुपए के आसपास का फिगर हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक पीसू की बात करेंगे तो यहाँ पे 28 के आसपास का फिगर है, जो कि दोस्तों इंडस्ट्री के पीसू की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें 25 के आसपास का फिगर देखने को मिल रहा है। यानी कि दोस्तों जो इसका प्राइस फिलहाल हमें अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 20% के आसपास का फिगर है, जो कि दोस्तों रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे तो यहाँ पे भी 20% से अबव का फिगर हमें देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो यहाँ पे 1 रुपए का फिगर है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, अगर बात करें इस स्टॉक में यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग का, तो 64% के आसपास का होल्डिंग हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अपनी 2% के आसपास का यहाँ पे प्रमोटर का सेल प्लेस है, जो कि कोई खास फिगर है नहीं। ईपीएस की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे ईपीएस इसका 111 रुपए के आसपास का है, जो कि स्ट्रॉन्ग ईपीएस है। डेप्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें डेप्ट का फिगर देखने को मिल रहा है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करेंगे तो यहाँ पे 0.35 का हमें फिगर देखने को मिल रहा है, जो कि कोई खास है नहीं। और दोस्तों यहाँ पे फ्री कैश फ्लो की बात करेंगे तो यहाँ पे अच्छा खासा फिगर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें देखने को मिल रहा है, आप लोग इसके ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इसका क्वार्टरली सेल्स का फिगर आप लोग के सामने में, दिसंबर क्वार्टर में अच्छा खासा यहाँ पे सेल्स का फिगर हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे देख सकते हो एवरी क्वार्टर का सेल्स का फिगर हमें स्ट्रॉन्ग तरीके से देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फिगर भी स्ट्रॉन्ग फिगर हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर का। और दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट का फिगर भी अच्छा खासा हमें फिगर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हालांकि सेप्टेम्बर क्वार्टर के अकॉर्डिंग दिसंबर क्वार्टर में नेट प्रॉफिट में थोड़ा समय यहाँ पे गिरावट का फिगर देखने को मिल रहा है, जो कि कोई खास है नहीं। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे ईयरली सेल्स के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे देख सकते हो एवरी ईयर का सेल्स का फिगर स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें देखने को मिल रहा है, और इस साल का अभी तक का स्ट्रॉन्ग फिगर यहाँ पे सेल्स का हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इस स्टॉक में अच्छा खासा हमें रैली फिलहाल देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे ईयरली, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फिगर भी हमें देखने को मिल रहा है। अगर बात करेंगे नेट प्रॉफिट के रिगार्डिंग दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हो नेट प्रॉफिट का फिगर भी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें देखने को मिल रहा है, जो कि आप लोग के सामने में। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे रिजर्वेशन सरप्लस के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे एवरी ईयर का रिजर्वेशन सरप्लस का फिगर भी अच्छा खासा हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि हम बात करेंगे यहाँ पे बोरोइंग्स के रिगार्डिंग दोस्तों,
तो यहाँ पे डेप्ट का फिगर थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर बात करेंगे यहाँ पे फिक्स एसेट की रिगार्डिंग, तो यहाँ पे फिक्स एसेट का फिगर भी स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें इस स्टॉक में एफआई की होल्डिंग है, डीआई की होल्डिंग है, उससे पहले हम बात करेंगे प्रमोटर का, तो यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग हमें 64% के आसपास का फिगर देखने को मिल रहा है, जो कि सितंबर क्वार्टर के अकॉर्डिंग दिसंबर क्वार्टर में यहाँ पे प्रमोटर ने अपना होल्डिंग में यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट शो किया है। हालांकि दोस्तों बात करेंगे एफआई के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे एफआई का होल्डिंग स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर में देखने को मिल रहा है अकॉर्डिंग टू यहाँ पे सितंबर क्वार्टर। और दोस्तों डीआई की बात करेंगे तो यहाँ पे डीआई का होल्डिंग भी यहाँ पे इंक्रीमेंट के साथ में फिगर देखने को मिल रहा है अकॉर्डिंग टू सितंबर क्वार्टर। अगर बात करें यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर का, तो यहाँ पे एवी फिगर अपने आप में स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर में हमें इंक्रीमेंट के साथ में फिगर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो शेयर होल्डर रिटर्न भी अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, आप लोग इसके ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से गुजरात फ्लो केमिकल लिमिटेड के रिगार्डिंग। स्टॉक अपने आप में अच्छा खासा है। अगर बात करेंगे इसका प्राइस के फोरकास्ट के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे 7 एनालिस्ट ने यहाँ पे ऑफर किया है अगले एक साल के लिए, जो इसका प्राइस है यहाँ पे हमें रफली दोस्तों यहाँ पे 5000 के आसपास में हमें देखने को मिल सकता है। अगर बात करें इसका यानी कि डिटेल्स में इसका प्राइस फोरकास्ट का, तो फिलहाल जो इसका प्राइस है यहाँ पे 3000 के आसपास में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अगर इसका प्राइस हमें 3700 रुपये क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिलेगा, तो इसका प्राइस हमें 4500 के आसपास में देखने को मिल सकता है। तो आप लोग इस स्टॉक के ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। स्टॉक अपने आप में स्ट्रॉन्ग है और यहाँ से इसका प्राइस हमें 5000 के भी क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। हालांकि इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। दोस्तों मेरे को तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू, बाय।